हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज बात करेंगे इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट के बारे में, जो आपकी वैकेंसी निकली है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं जो कि लाइव नोटिफिकेशन आ रहा है, हिमाचल प्रदेश के 634 पोस्ट की आपकी वैकेंसी निकली है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल पे, या किसी पे भी आप देख सकते हैं और इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं दोनों बताऊंगा किस तरीके से आप कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। फ्रेंड, इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चलता रहे। ठीक है फ्रेंड, साथ में आपसे निवेदन रहेगा इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की आपकी स्टार्टिंग आ रही है, 7 से लेकर 6 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं, यानी 7, 10 से लेकर 6, 11 तक आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आ रही है, फीस सबमिट और एप्लीकेशन की आ रही है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं। ये लिंक आपको मिल जाएगा आपके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, इसे आप दे सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे ही मैं वैकेंसी के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अब मैं नोटिफिकेशन की जानकारी आपको देता हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे आप दे सकते हैं नोटिफिकेशन आ रहा है, जॉब प्रोफाइल यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ रहा है असिस्टेंट ब्रांच में पोस्टमास्टर की वैकेंसी है, डाक सेवा की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप BPM और ABPM की ये वैकेंसी है, 12,000-10,000 सैलरी रहेगी, 4 आवर, और यहाँ पे 5 आवर पे आपको इतना मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर आप जैसे 7/10/2020 के अनुसार आपको जो एज होनी चाहिए 18 से 40 रखी गई है, और यहाँ पे एज रिलेक्शन है, शेड्यूल कास्ट के लिए 5, OBC के लिए 3, पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए 10, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, OBC और PWD है 13 और SST और PWD है 15। ठीक है, एजुकेशन आप देख सकते हैं, आपका हाई स्कूल पास होना जरूरी है। यहाँ पे हाई स्कूल पास की वैकेंसी है इन मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश में। ठीक है, तो आपका ये है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कंपलसरी लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज आप दे सकते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की हमारी हिंदी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप दे सकते हैं। फ्रेंड, अब हम चलते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे हम, तो लिंक पे क्लिक करने पे आपका ये पोर्टल खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी स्टेप आ रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको जानकारी दी जा रही है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको नाम देना है जो कि आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार हो जाए, फादर नाम का भी नाम हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, जो कि 18 से 40 के बीच में होना चाहिए, SC ST हैं तो आप उस केस में आपके रिलेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप जेंडर देखते हैं, मेल फीमेल है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, कम्युनिटी आपको बताना है, UR OBC। ठीक, यहाँ पे आपको दे सकते हैं, अगर इकोनॉमिक सेक्टर है तो यस या नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सेक्टर अगर है तो इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा या वैलिड अप टू यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर यू पर्सनल डिसेबिलिटी यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, यस या नो कर दीजिएगा। ठीक है, यस करते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किस कैटेगरी से है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लो विजन है तो उस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेट आ रहा है कि आपको जो आपने किस हाई स्कूल कहाँ से पास किया उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग बतानी किस सन में आपने पास किया, तो वो जानकारी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना, बस साइकिल चलाना आता ही नहीं आता इसके बारे में बताना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा ये आपने हाई स्कूल पास किया था किस तरीके से, पास फर्स्ट अटेम्प्ट में या कंपार्टमेंट था, सप्लीमेंट्री था, ट्रायल था, जो भी है यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, वेदर यू एस एम्प्लॉयड यस या नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का NOC अवेलेबल कराना पड़ेगा, यस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे टेक्स्ट है वो फिल करना पड़ेगा जो कैप्चा आ रहा है, इसके यहाँ पे प्रीव्यू दे सकते हैं, यहाँ पे आपको आ रहा है, इस तरीके दोनों पे आपको क्लिक कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया, कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं सिर्फ उन लोगों को जाना है जो SC ST कैंडिडेट हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर ही आप फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, फीमेल कैंडिडेट को फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वही जाएंगे, UR OBC इकोनॉमी वीक सेक्टर मेल, उनको यहाँ पे जाने की जरूरत है, वो यहाँ से फी पे जाएंगे जो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको करना है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, उसके अलावा मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी आपको दिखाई जाएगा, अमाउंट आ रहा है, इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मेक पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो मेक पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे SC ST कैटेगरी है, सीधे उनको अप्लाई ऑनलाइन पे जा सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप, जब जैसे हिमाचल प्रदेश आ रहा है तो उसको सेलेक्ट करें, रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और सबमिट करेंगे, तो इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट,
चूज प्रेफरेंस और प्रिंट एप्लीकेशन को कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर दिया और उसके बाद आपको मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी से हमें वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा, देख सकते हैं आपको एड्रेस आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस देख रहे हैं, अगर दोनों सेम है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अलग अलग है तो आपको अलग अलग एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस जो यहाँ पे अभी रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रेस बताना है, यहाँ पे डोर, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, सिटी या विलेज, पंचायत, मंडल या डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, किस बोर्ड से आपने दिया है। ठीक है, बोर्ड के आपको यहाँ पे दे सकते हैं, आपका रिजल्ट टाइप क्या था वो यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी, जैसे कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट डिवीजन था तो जो भी थी यहाँ पे आपको जानकारी बतानी होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे मैंने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे आपको दे सकते मार्क या ग्रेड या पॉइंट थे, उस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये सब आपको करने के बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं इंग्लिश, आपके जो कम्युनिकेशन लोकल लैंग्वेज है, अगर आपके लोकल लैंग्वेज नहीं हुई यहाँ पर, जैसे हिंदी है, ठीक है, आपके जो जानते हैं जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए लोकल लैंग्वेज हिंदी है, अगर इसमें नहीं आया, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे इसके बाद आपको मार्क्स देने हैं जो कि हाई स्कूल में आए थे आपके मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस में, यहाँ पे आपको 100 में से जितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पे बताना है, उसके बाद इवेंट कंटिन्यू कर देना। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपको मार्क्स यहाँ पे डालने होंगे जो कि आप दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे आपको दे सकते हैं फोटो अपलोड, सिग्नेचर, आपको अपनी क्लास टेंथ का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और आपका सप्लीमेंट्री अगर आया है तो उसके मार्कशीट मेमो अपलोड करना होगा, सप्लीमेंट्री मार्कशीट मेमो 2। ठीक है, इस तरीके से आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप दे सकते हैं जो कि अपलोड करना होगा, आपको 50 KB दे रखा है, यहाँ पे सिग्नेचर 20 KB, मार्कशीट का 200 KB आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ब्राउज करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं जो कि अगर सप्लीमेंट्री पास किया है तभी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है फ्रेंड, अगर फ्रेंड आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हैं, जो कि सामने 60 दिन का कोई कोर्स किया हो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से, वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि 200 KB का रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको सारे अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इसके नीचे यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन आ रहा है, इन सब पे आपको टिक करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको जो आ रहा है डिवीजन आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, इस तरीके से आपको 5 डिवीजन 5 पोस्ट सेलेक्ट करने को दी जाएगी। यहाँ पे आपको आ रहा होगा 20 चांस दिए जाएंगे, 20 आपको अवेलेबिलिटी रहेगी, 20 पोस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दूसरी बार रजिस्ट्रेशन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको दूसरी बार जाकर फिर से आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक समय पर एक ही कर पाएंगे एक पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिवीजन आ रहा है, वो डिवीजन जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं, यानी जिस पोस्ट डिवीजन के लिए एक पोस्ट अप्लाई आप कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से आपको डिवीजन आ रही है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, इनमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पोस्ट में आपको दिखा देता हूँ, तो इसी तरह से आपको डिवीजन और पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी जो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आप जो प्रेफरेंस रहेंगे वो यहाँ पे आप कर लीजिएगा, इसके आपको सेव एंड आपको नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ आ रहा है हिमाचल प्रदेश का पोस्ट का नाम, अप्लाई जिसके लिए किया वो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा होगा, इस तरीके से आप प्रिंट पे करेंगे तो आप प्रिंट आप ले पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने आपको बताया किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, सारी जानकारी मैंने बताई ए से लेकर जेड तक जो आप कर सकते हैं, सारी डिटेल मैंने बता दिया। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे जरूर चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।